नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से शुक्रवार को ईडी ने पूछताछ की है। जांच एजेंसी ने शराब घोटाले में दोनों से करीब 9 घंटे तक की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। इस दौरान कई राज खुलने की संभावना है। मिश्रा और त्यागी सुबह करीब 11:30 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। उनका कहना है कि की जीत होने वाली है। रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह पर आबकारी घोटाले में 2 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लेने का आरोप था। यह पैसा 2 किस्तों में दिया गया है। दोनों बार पैसा सर्वेश मिश्रा को दिया गया। ईडी के पास मौजूद सीडीआर से इस बात की पुष्टि होती है। विवेक त्यागी को भी इस बात की पूरी जानकारी थी। वहीं बीते दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक यानी 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया था ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद राज्यसभा सांसद को अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संजय सिंह से पूछताछ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाए और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाए। वहीं दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि हर 48 घंटे में एक बार उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। वहीं दोस्तों, अदालत कक्ष में लाए जाने के दौरान संजय सिंह ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया अन्याय है। जिनकी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव हारने जा रही है, आप नेता को 2021-22 दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामलों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका बताई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि यह जांच का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस आंच की जद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं, जिसके बाद पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया है। आप नेता और कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।